बताएं क्या नाम आपका? सर हमारा नाम अनिल गुप्ता है। नवाबगंज थाने में आए, क्या शिकायत? नवाबगंज थाने में सर, हम क्या हुआ था, भरत मार्केट से डॉक्टर गोपाल सरण की तरफ से निकल रहे थे। हमारी वहाँ पे भरत मार्केट में एक दुकान है, हमारी पत्नी के नाम से नीति गुप्ता थे, नीति गुप्ता नाम से 1998 से एग्रीमेंट है आजीवन। श्री रामूर्तिलाल गुप्ता थी वर्तमान अध्यक्ष थे उस टाइम, उन्होंने एग्रीमेंट किया था। किसी कारणवश वो दुकान हम 8-10 साल से सर बंद है हमारी दुकान, हम व्यवसाय हमारा ठप हो गया, हम नौकरी कर रहे थे। वो 1998 से दुकान है हमारी, 1/5/1998 की। जिसको क्या हुआ, वो दुकान को इन्होंने जो वर्तमान अभी अध्यक्ष थे चंद्रप्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने किसी चीज के अध्यक्ष हैं ये रामलीला सोसाइटी के, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं वर्तमान, अब तो अभी ये बन गए अरविंद शुक्ला जी बन गए, मगर इससे पहले ये थे चंद्रप्रकाश जी। इन्होंने बिल्कुल अपने लास्ट टाइम में अखिल गुप्ता सनाब राकेश गुप्ता के नाम से ये दुकान का फर्जी एग्रीमेंट कर दिया गया। जो दुकानें थी वो रामलीला कमेटी की नवाबगंज में 500 से ज्यादा दुकानें हैं। किसी भी पार्टी को आज तक इस तरीके से बेदखल नहीं किया गया, हमको बगैर किसी सूचना के, अगर किराए हम पे बाकी है तो हमें सूचना देना चाहिए, उसका नोटिस देना चाहिए। नोटिस का कोई तामील है कुछ भी है तो उनके पास कोई सबूत है वो हमको दिखाएं। इस बात की प्राथमिकी हमने थाने में दे रखी है, अपनी बात कह रखी है, 100 पुलिस को भी दे रखी है। मौके पर पहुंचे तब तक उनको लोग अपना सामान लेके भाग गए और अभी तक वहाँ पे कोई नहीं आया है। मगर उसके हम चाहते हैं कि वो दुकान का निर्माण भी रुके और हमारा कब्जा हमको मिलना चाहिए, उसका जो बकाया है वो हमको नोटिस दे और कुछ टाइम दे, हम अपना उनका किराया देने को बिल्कुल तैयार हैं। ये 25 साल से इन्होंने कोई किराया नहीं दिया है, एक लड़का इस पर किरायादार रहता है, इन्होंने 25 साल से किराया नहीं दिया। जब दुकान छोड़ के चले गए तभी दूसरे के नाम दुकान ट्रांसफर कर दी गई दो साल पहले। आपने जो दुकान खाली करा रहे हैं इससे पहले आपने कोई नोटिस वगैरह जारी कराया है? ना, नोटिस क्या खाली करा रहे हैं? नोटिस जब इन्होंने किराया नहीं दिया, जब दुकान ही छोड़ के भाग चले गए तो नोटिस करे थे, जब दुकान खाली करके चले गए दूसरा किरायादार उसमें दुकान पे था। इनके परिवार को इनके घर वाले एड्रेस पर नोटिस दे दिया जाता है? नहीं, जब जब दुकान ही छोड़ के चले गए तो हमने नोटिस क्या देते, दुकान तो खाली करके चले गए थे जी। कब्जा नहीं होता 25 साल से इनका, जब 25 साल से किराया नहीं दिया इनका कब्जा नहीं, तो इनकी दुकान किस बात की भाई? वकील साहब आपके सामने ये तहरीर है, इसमें देखिए क्या मामला है पूरा। ये मैंने पढ़ा है इसे, ये कोई नीति गुप्ता जी हैं, इनको जो है रामलीला सोसाइटी ने ये दुकान किराए पे दी है 1998 में, उस समय के जो मौजूदा अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने। अब इनको किन्हीं लोगों ने, इसी रामलीला सोसाइटी के ही लोगों ने इनकी दुकान पे अवैध रूप से बगैर नोटिस दिए कब्जा करने के प्रयास से सामान खुर्दबुर्द किया है। तो ये जो तहरीर इन्होंने प्रभारी निरीक्षक महोदय को दी है कि इनका सामान तोड़फोड़ दिया, 427 और ये सब चीजें, ये धाराएं इसमें बनती हैं, और किसी भी दुकान को खाली कराने के लिए कानूनी तौर पे पहले उसको लीगल नोटिस दिया जाता है, और लीगल नोटिस के बाद में अगर वो फिर भी खाली नहीं करते हैं तो उसके लिए सिविल न्यायालय बने हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी की भी दुकान को बलपूर्वक खाली नहीं करा सकता।